हेलो माय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन इन उत्तराखंड में। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि सर्दियों के लिए आप फूलों के पौधे तैयार करना चाहते हैं तो आप उसे किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। देखिए मैंने ये लिया है पॉट, टेक्निकली ये पॉट नहीं है, ये एक क्रॉकरी स्टोर पर बिक रही प्लास्टिक की कटोरी टाइप थी, ये इस तरह की है। 10 रुपीज़ की एक मुझे वहाँ पर मिल गई तो मैंने इन्हीं में ग्रो कर लिए, क्योंकि हमें तो मतलब ग्रो करने से यार बचत से है। 10 रुपये में कितना बढ़िया सौदा आपको कहीं नहीं मिल सकता। तो आप देखेंगे कि मैंने इनमें ग्रो कर रखे हैं, तो इनमें मैंने 20 सीड लगाए हैं, बाकी सब में एक लॉट बाहर जा चुका है, ये दूसरा लॉट है। और ये 10 दिन पहले लगाए थे, ये हैं होलियोक के पौधे। आप देखेंगे कि होलियोक के कितने सुंदर छोटे छोटे पौधे 10 दिन बाद निकलने लगे हैं। आप जब सीड से पौधा लगाते हैं तो उसमें आपको टाइम लगता है 8 से 10 दिन का, यानी कि थोड़ा ऊपर भी हो सकता है। कुछ कुछ सीड ऐसे होते हैं जो 20 दिन में भी निकलते हैं, लेकिन जैसे ये होलियोक का पौधा है मेरे पास, ये 10 दिन में निकल आए। और इसी तरीके से मैं आपको बाहर में दिखाऊंगा। अभी तो यहाँ पर बाकी पटूनिया है, डाइंटस है, डेजी है, काफ़ी सारे फूल मैंने यहाँ पर लगा रखे हैं लेकिन वो भी नहीं निकले हैं। अब हम बाहर की तरफ चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि बाहर में क्या कंडीशन है। तो देखिए दोस्तों, ये है 20 दिन बाद पटूनिया का रिजल्ट। पटूनिया के कितने सारे पौधे यहाँ पर निकल रहे हैं और इन्हें मैं काउंट भी नहीं कर सकता, एक में कम से कम 200-250 पौधे होंगे जो मेरा अपना आइडिया है। तो ये इतना ज़्यादा निकल आता है और इसे मैं बाद में एक गमले में 4 या 5 करके कर दूँगा, जिससे कि ये थोड़ा सुविधाजनक रहे। एक तो तरीका मेरा ये है कि मैं इस तरीके से सीड से पौधे तैयार करता हूँ। एक दूसरा तरीका भी है मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए देखिए दोस्तों, यह है दूसरा तरीका जिससे मैं सीड ग्रो करता हूँ। इसमें आप देखेंगे कि मैंने पौध लगा रखी है गमलों में और जो पौध है वो अब सेटल हो चुकी है। इस पौध को लगाए हुए मुझे लगभग 10 दिन हो गए हैं। तो ये पौध लेकर आया था, छोटे छोटे पौधे, ये बहुत सस्ते मिलते हैं, 1 रुपये का एक लगभग पड़ता है ये, जबकि आप बड़ा वो पौधा लेने जाएं तो सस्ते से भी सस्ता 8 रुपये से कम का नहीं मिलता। इसमें गजनिया है, डाइंटस है, पटूनिया है और आपका डेजी है, काफ़ी सारे पौधों की ये पौध है। और यहाँ पर भी 2 मेरे घर के उगाए हुए हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा पटूनिया हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से काम करता है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इस तरीके से आप इन्हें ग्रो कर सकते हैं। तो ये तो तरीका, ये तो मैंने आपको दिखाया रिजल्ट के, एक सीड से मैंने ग्रो किए हैं, एक मैंने ग्रो किए हैं पौध से। चलिए मैं आपको सीड से ग्रो करने का तरीका दिखाता हूँ कि सीड से पौधे कैसे ग्रो किए जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको सीड को ग्रो किस तरीके से करना है। पौध तो अगर आप लाके लगाएंगे, आपके यहाँ मिलती होगी तो आप पौध को डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन सीड को ग्रो करने के लिए आपको चाहिए कि आप कोई भी पॉट ले लें, बेसिकली फैला हुआ पॉट लें। गहराई हमें नहीं चाहिए होती पौध के लिए, हमें फैले हुए पॉट की ज़रूरत होती है। फैला हुआ पॉट ले लें और उसमें ऊपर की थोड़ी सी मिट्टी को साइडों में करें और सीड जो हो आपके पास, जैसे कि मेरे पास ये होलियोक के सीड हैं, मिक्स होलियोक मिक्स को मैं यहाँ डालूंगा और डालने के बाद सारे सेंटर में कोई डाल दिए मैंने कोई, क्योंकि हमें इन्हें ज़्यादा दिन तो इस गमले में रखना नहीं है, अल्टीमेटली तो हमें इन्हें शिफ्ट ही करना होगा। और इसे मैंने इस तरीके से प्लेन कर दिया। आप कोई भी सीड लें, मीडियम कोई भी ले सकते हैं। कुछ पौधे जो होते हैं वो अच्छे होते हैं सॉइल में, कुछ पौधे अच्छे होते हैं पॉटिंग सॉइल में। तो जो भी पौधा जिस मीडियम में अच्छा होता है उसे उसमें लगाएं। नाजुक पौधों को आप पॉटिंग सॉइल में लगाएं और नॉर्मल पौधों को आप सॉइल में लगाएं तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलता है। लेकिन पटूनिया जैसे नाजुक पौधे भी मिट्टी में बहुत अच्छे होते हैं, तो आप मिट्टी में भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ये मिट्टी ऐसी, इसमें खाद वगैरह कुछ नहीं मिला है मैंने, क्योंकि छोटे पौधों को इतनी खाद वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती है, उनके लिए जितनी मिट्टी में न्यूट्रिशन होता है वो सफिशेंट होता है, तो वो इजिली यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। तो इसे आपने इस तरीके से कवर कर देना और उसके बाद देना है इसमें थोड़ा सा पानी और आपको फिर वेट करना होगा 10 से 20 दिन के बीच। जनरली सभी पौधे 20 दिन के अंदर ग्रो हो जाते हैं, अगर 20 दिन तक पौधे ग्रो नहीं होते तो आप ये मान के चलिए कि फिर वो ग्रो नहीं होंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा समय नहीं लगता। वो मोस्ट ऑफ प्लांट 10 दिन में तो ग्रो ही जाते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं, 2 से 3 दिन में भी ग्रो हो जाते हैं, तो आपको इस तरह का रिजल्ट देखने को मिलेगा। चलिए अब इसे दे देते हैं थोड़ा सा पानी और इसे फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसे रखना कैसी जगह पर है।
तो दोस्तों देखिए अब इसे देंगे पानी, पानी डायरेक्ट नहीं डालना है, पानी किसी फुहारे से डालें या फिर इस तरीके से जैसे मैं हाथ से डाल रहा हूँ इस तरीके से डालें। हाथ से अगर आप पानी डालेंगे तो पानी डायरेक्ट नहीं गिरेगा और वो उसको जो है ना डैमेज नहीं करेगा आपके सीडों को। अगर आप एक्सपोज हो गए सीड तो वो ग्रो नहीं हो पाते, तो उन्हें मिट्टी के अंदर ही रहना चाहिए। ये इस तरीके से करके आप पानी दे दीजिए और अब इसे रखेंगे किसी शेडी एरिया में जहाँ सिर्फ सुबह की धूप आती हो। धूप की बहुत कम ज़रूरत होती है स्टार्टिंग में जर्मिनेशन के टाइम सीडों को, और ग्रो होने के एक दो दिन बाद आप उन्हें जब वो थोड़े स्ट्रॉन्ग से हो जाएं, आप उन्हें तीन दिन मान लीजिए, तीन दिन बाद आप उन्हें धूप वाले एरिया में रख सकते हैं। लेकिन जब तक वो सीड से ग्रो होते हैं उसके दो तीन दिन तक आपको उसे सुबह की धूप वाले एरिया में ही रखना चाहिए। इससे सीडों के जो जर्मिनेशन रेट होता है, उनके सर्वाइवल रेट जो होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। आप इस पर टैग लगा दीजिए, डेट लगा दीजिए, इससे आपको आइडिया रहेगा कि सीड कितने दिन पहले बोए थे और उनका रिजल्ट क्या रहा। मैं तो यही रैपर इसमें रख दूंगा ताकि मुझे याद रहे कि ये कौन से सीड थे। डेट का कोई इशू नहीं है, मुझे आइडिया है कि ये लगभग 10 दिन में ग्रो होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मैं आपके लिए और वीडियो लेकर आता रहूँगा। वीडियो बहुत दिन बाद बनाया क्योंकि मेरे पास कुछ था नहीं बनाने के लिए, तो मैंने कहा जब कुछ होगा तब बनाएंगे। अभी मैं वन बाई वन हर फ्लावर को लेकर चलूँगा, सीड से लेकर फ्लावर तक की जर्नी आपको दिखाऊँगा उनकी, ताकि आप एक पूरा का पूरा जो साइकिल होता है फूल का उसे समझ सके और अगले साल आपको उन्हें लगाने में सुविधा हो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों। मैं आपके लिए और वीडियो लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।